दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गेम जेन नेटवर्क में। तो हम लोग दोस्तों 6 दिन तक गायब रहे, ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है, क्योंकि हम लोगों के भी एग्जाम चल रहे थे भाई, पढ़ाई में फोकस करना पड़ता है, और ना हमारे घर में भी डंडे वंडे हैं, उसका डर रहता है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग गिव अवे देंगे, तो दोस्तों हमारे जो 3 गिव अवे विनर्स थे उनको दोस्तों हमने गिव अवे दे दिया है। और दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि सत्यम भाई तुम गिव अवे क्यों करते हो, उससे तुम्हें क्या मिलता है। तो दोस्तों हमारे नए सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े हैं, पुरानों को तो पता है पर नए, ये आपके सवाल का क्वेश्चन हमला का आंसर शायद ये दे देगा। देख तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो आज दोस्तों हम लोग क्या अलग करने वाले, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन लोग एक गेम प्ले निकाल लेते हैं भाई। अपन ने ऑन कर दिया अपना गेम, तो देखते हैं अपनी शुरुआत जीत के साथ होती है कि हार के साथ। लेवल 11 का बंदा आ चुका है अपने पास, सेम है अपना भी लेवल 11 ही है, पर देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। भाई अपना विच आ गया यहाँ से, और अपना जाइंट भी रेडी टू गो है, मैंने एकदम बढ़िया गो रखा है। भाई उसने क्रैकर्स भेज दिए, क्रैकर्स कहते हैं ना इसको शायद। भाई यार यहाँ ये लोग गलती कर गए यार, इन्हें फ्रंट में कुछ भेजना था भाई, फ्रंट में कुछ भेजना था तुम लोगों को, तुमने लोग यहाँ पर थोड़ी मात खा गए। भाई यार मुझे को इस पर मात नहीं खानी है, क्योंकि बलून बहुत गंदा डैमेज कर सकता है अपने को, बट मुझे बलून को रोकना पड़ेगा, जो कि शायद मैंने कर दिया है। बहुत बढ़िया, अब मैं एकदम, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं डिफेंसिव हो जाऊँ एकदम डिफेंसिव, भाई सामने वाले को मौका ही क्यों देना, एकदम डिफेंस खेलूँ, या तो मैं अटैक करके दूसरा क्राउन भी लेने की कोशिश करूँ, डबल क्राउन विन की ट्राई करूँ, क्योंकि मैं अभी इसके मेन टाउन वाले पे तो हमला नहीं करने वाला। तो मैं अपने सेकंड ओपनर्स को लाता हूँ। भाई खतरनाक खेल हो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे मेरे पास स्केल्टन आर्मी थी भाई, वरना अपना तो खेल ख़त्म था यहाँ पे। स्केल्टन आर्मी ने अपने को बचा लिया है, वरना खेल लगभग ख़त्म हो जाता मेरा। भाई मेरे को लगता है मुझे डिफेंसिव ही हो जाना चाहिए, तो क्या पता यार इसका कब कहाँ सही अटैक लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। भाई गया, अब यहाँ पर शायद मैं इसको छोड़ सकता हूँ, पर नहीं, अपन लोग थोड़ा वेट करेंगे, पहले थोड़ा वेट। बहुत ही बढ़िया, भाई फिर से यार मैंने बलून का डैमेज लेने से खुद को बचा लिया, तो भाई बलून का डैमेज बहुत गंदा, जो मैं लेना चाहता तो नहीं हूँ भाई, शायद एक बार मुझे और बलून के डैमेज से बचना पड़ेगा तो अपना काम बन जाए। अब यहाँ पे मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा बढ़िया, भाई थोड़ा जवाब में बोलोग भी रहे यार, क्या भी डिफेंसिव नहीं होगा। भाई वो वाला क्राउन भी अपने पास आ गया, ऐसा मैं शायद कह सकता हूँ। ओ भाई आ गया भाई, अब अपन जीत जाएंगे यार। भाई बहुत ओपी, भाई ये उनके पास चला जाएगा वो वाला क्राउन, अच्छा नहीं गया। ओ भाई स्केलेटन आर्मी कहाँ हो भाई, ये बचाओ यार, वो गया भाई, भाई बच गए। और दोस्तों इसके साथ पहला राउंड हम लोगों ने ओपी विन कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको आज का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग दोस्तों ऐसे तो हम लोग गिव अवे करते ही हैं, पर हम लोग दोस्तों एक रैंडम पर्सन को रॉयल पास दें, यानी हम किसी भी क्लैन में जाएं, एक बंदे को अपन सरप्राइज करें, ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ। इस पर भी मेरा काम चालू है कि मैं कौन से वे से उन्हें ट्राई करूँगा, पर मैं बहुत से लोगों के पास जाता हूँ, मैंने अभी एक दो दिन ट्राई किया, तो वो लोग तो भाई मजाक समझते हैं कि ये बंदा मजाक कर रहा है। वैसे भी यार अपने सा अभी एक ऐसा कंटेंट किसी ने लाया नहीं, तो बहुत से लोगों को लगता भी होगा कि यार बंदा हमें क्या क्यों फ्री में पास देगा, मजाक कर रहा है भाई। अपन लोग थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ओपी हो, आपके सपोर्ट के कारण हम लोग दोस्तों बहुत जल्द 2K पे पहुंचने वाले हैं, आप लोगों के बिलियन सपोर्ट के कारण।
तो दोस्तों ऐसा सपोर्ट बनाने के बनाए रखने का हिट द बेल बटन है। थोड़ा अटक रहा हूँ, क्या है 6 दिन बाद वीडियो बना, तो थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह छूट गई है। तो हिट लाइक बटन, हिट बेल आइकन और जो कुछ दिख रहा है सब दबा दो, कुछ मत छोड़ो। दोस्तों अब आप बात करते हैं सेकंड गेम प्ले की। तो सेकंड गेम प्ले हम लोग दोस्तों थोड़ा अतरंग और अपने स्टाइल में करने का ट्राई करेंगे। भाई लेवल 10 का बंदा, थोड़ा अपने पास हल्का सा एडवांटेज है, हल्का सा एडवांटेज। पर भाई क्या है, पहले मुझे देखना पड़ेगा इसके कार्ड किस लेवल के हैं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि बंदा देखो इसके पास भी 13 लेवल का मैक्स लेवल का बेचे इसके पास भी। भाई इसके पास बंदे के पास ही मैक्स लेवल विच है भाई, मैक्स लेवल ओपी विच। भाई इसकी विच तो जाएगी, मैं अपने ओपनर्स को यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ यार। पर मैं चाहता था यार कि धमाके में ये भी उड़ जाए तो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता। ओ काका तुम नहीं आने का, काका जाओ। भाई अब शायद मेरे को प्रिंस का शायद एक वार मिल जाए, भाई प्रिंस का एक टावर तोड़ वार मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। मिल गया भाई, अब भाई वाला क्राउन अपना हो सकता है, भाई अपना हो सकता कि अपना हो चुका है एक राउंड। भाई हमारे पास फिर से ऑप्शन है या तो मैं डिफेंसिव खेलूँ या अटैकिंग, पर अभी तो भाई मैं अटैकिंग ही खेलने के मूड में हूँ क्योंकि सामने वाले बंदे ने हथियार डाल दिए हैं यार। और दोस्तों अब चैनल पे रोज डेली वीडियो आया करेगी, डेली वीडियो। अब क्या दोस्तों 6 दिन वीडियो नहीं डाला तो भाई अपने को उसका भुगतान भी तो करना है ना यार, 6 दिन वीडियो नहीं डाला ऐसे कैसे काम चलेगा। बस चलो अपन लोग चलो उसको लगाते हैं, अपना ये बढ़ गया है भाई। एक को अपन लोग स्पेशल की से खोल लेते हैं, इतनी सारी स्पेशल की है मेरे पास तो क्या करेंगे। चलो भाई ये भी ठीक है, अब अपन लोग एक बैटल और ट्राई करते हैं। भाई बैटल रुकनी नहीं चाहिए, भाई लेवल 12 का बंदा है यार, अपने से बड़ा बंदा आ चुका है सामने। पर कोई है, अपन ने बहुत बार लेवल 13 के बंदों को भी हराया है। और भाई सीआर की मिस मेकिंग तो आप बहुत अच्छे से जानते हो यार, उसके बारे में तो मैं खुद ही क्या कहूँ। भाई बहुत सही, भाई डैमेज तो अपने को बढ़िया काउंट हो गया है। भाई यहाँ इसके लिए अपने पास आइस मतलब इलेक्ट्रिक विजार्ड है, ये गया अपना इलेक्ट्रिक विजार्ड। ओपी भाई डैमेज अभी तक तो मैंने ज़्यादा दिया है, पर डैमेज कब कम हो जाए कुछ कह नहीं सकते यार। भाई इसके पास गोरबियन लैब, भाई क्या कर रहा हूँ यार मैं, इतना फॉम्बर क्यों कर रहा हूँ। इसके पास तो गोरबियन बैरल भी लेवल 13 का है, भाई थोड़ा दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा। मैंने ज़्यादा इस साइड को डैमेज किया तो आप यहाँ पे अपन विच लगाते हैं और सामने जाइंट स्केलेटन की तैयारी रख रहा है कि सोच रहा था मैं, पर इसने भाई चौंका दिया मेरे को। भाई यार इसके बाद मतलब इसके पास इसका फायर भी लेवल 13 का यार, एक फायर में पूरी पूरी विच दबा यार। चलो भाई अपना कमाल दिखाओ, कमाल नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा, और काम चलाने के लिए कमाल दिखाना ज़रूरी है। भाई गया यार अपना एक तो गया, एक गया अपना। अरे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, एक सेकेंड आप एक भाई और अकाउंट हम लोग यार सर हम लोग हार जाएंगे। पर कोई बात नहीं, इसका एक राउंड लेके जाने के लिए अपन पूरी पूरी ट्राई करेंगे, बट एक राउंड देखो मेरे को देना ही पड़ेगा यार। भाई खाली हाथ तो आया हूँ नहीं, आऊँ जाऊँगा नहीं मैं, खाली हाथ थोड़ी जाते हैं अपन लोग। भाई आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेते ही जाऊँगा, भाई लगता है कुछ नहीं लेके जाने का, बहुत कंजूस जान पड़ता है। भाई चलो एक राउंड लेके जाने दिया बंदे ने अपने को, यहाँ पे अपन ने ये लगा दिया है। भाई क्या मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, भाई कमबैक की उम्मीद तो है मेरे को हल्की हल्की।
भाई क्या अपन लोगों का खोपी कमबैक हो पाएगा भाई। अपना ये पहुंच चुका है ओपी कमबैक का नियत भाई, हो जाएगा पांच ले पांच डिफेंस भाई, हो गया। यही तो यार कहा मैं हिम्मत हार रहा था, पर अपन लोग अंत में जीत गए, तीनों के तीनों मैच अपन ने विन किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में दोस्तों मज़ा आया होगा, पर दोस्तों मैं उन लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि दोस्तों कुछ लोग नहीं जीत पाए, आप लोग समझो ना मैं हर एक खेल में भाई इतने सारे नंबर दे नहीं सकता मैं, तो आप सबका उसका नंबर लगेगा एक एक करके, जो दोस्तों इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ दोस्तों अगली बार होंगे, निराश नहीं होने का, हर बार कोशिश करने रहने का, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। दोस्तों हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना स्पेशल कट इट।